आपने सुना, अभी एक यूथ कॉन्क्लेव में हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नौजवानों से बात कर रहे थे। वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में उनकी सरकार के आने के बाद इतने बदलाव आए हैं कि बस कमाल ही हो गया। वाह भाई वाह। ये सपने हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाने की ताकत रखते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। किसके बारे में बात कर रहे थे? वे एक बहुत ही संवेदनशील मामले के बारे में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि हमारे देश में उनकी सरकार ने एक बदलाव किया है बलात्कार के मामलों में। इस देश में बलात्कार पहले भी होते थे। समाज की इस बुराई कलंक ऐसा है कि आज भी उस घटनाओं को सुनने को मिलता है, माथा शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है। लेकिन आज 3 दिन में फांसी, 7 दिन में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी, लगातार उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और नतीजे नजर आ रहे हैं। आंकड़े कहां से ला रहे थे? किसने दिए ये आंकड़े? कुछ समझ में तो हमें आता नहीं कि आप कहां से क्या आंकड़े ले आते हैं। आपने कहा कि अब हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि 3 दिन में बलात्कारियों को सजा मिल जाती है और साथ ही उनको मिलती है सजाए मौत। आपने ये भी कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर तो ये हो ही जाता है। आप मुझे ये बताएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा बलात्कारी है जिसको आपने सजा दी? जब आपके मंत्री एमजे अकबर के ऊपर आरोप लगे तो आप चुप रहे, बहुत समय तक एक्शन भी नहीं लेने वाले थे यदि लोगों ने इस विषय में आवाज नहीं उठाई होती। दूसरी ओर देखिए, आपने ये जो कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर हो जाता है और लोगों को, बलात्कारियों को सजाए मौत मिल जाती है, तो कृपा करके बताइए ना, कौन है वो जिसको आपने दिया है मौत की सजा, जिसको आपने फांसी पे लटकाया? आप बता दीजिए, मुझे तो कोई ध्यान नहीं आ रहा ऐसा व्यक्ति। यदि याद आ रहा है तो कौन याद आ रहा है? कोई भी नहीं। आतंकवादी की श्रेणी में जो लोग आए उनके नाम जरूर याद आ रहे हैं, परंतु मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कौन से बलात्कारी हैं जिनको 3 दिन के अंदर अंदर सजा मिली। इतना झूठ तो कम से कम इस मुद्दे पे मत बोलिए। और आप मुझे एक और चीज बताइए, आप ये बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हमारे देश की पुलिस तो काम इतनी बढ़िया तरीके से करती है कि फटाफट एकदम अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करके मामले में चार्जशीट दाखिल कर देती है, कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, ट्रायल में सजा मिल जाती है, और सजा के बाद, सजा थोड़ी मिलती है, उसके बाद उसके ऊपर भी न्यायालय होते हैं जहां आरोपी को अधिकार होता है कि वह जाके अपील कर सके। तो पहले ट्रायल कोर्ट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आएगा सुप्रीम कोर्ट। और अगर उसे सजाए मौत दी गई है कोर्ट में ट्रायल के दौरान, तो हाई कोर्ट तो जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर उसको सजाए मौत बरकरार रखी जाती है तो क्लेमेंसी पेटिशन भी तो दाखिल करेगा वो राष्ट्रपति जी के समक्ष,
और राष्ट्रपति जी उस पर निर्णय लेंगे। ऐसा कौन सा मामला है प्रधान सेवक जी? कितना झूठ बोल लेते हैं आप। आपने झूठ की कौन सी गोली खाई है ये तो हमें बता दीजिए, ये समझ में नहीं आता। आपका यही एटीट्यूड है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। क्योंकि ये बात तो सही है कि आपने इस मुद्दे को उठाया क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है, इस पे आप लोगों को बरगला सकते हैं, पर कौन से लोग बरगलाए जाएंगे? आप मुझे बताइए कि एक एग्जाम्पल भी तो दीजिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको 3 दिन में या 30 दिन भी मान लेते हैं, इतने समय में सजा मिल गई, सजाए मौत मिली और उसे फांसी पे लटका दिया गया। दूसरी तरफ आपको ये बता दूं कि आपकी जो ये मतलब मंशा है ना, आप जो ये कहते हैं कि फांसी पे लटका दिया गया, फांसी पे लटकाया जाना कोई सजा को समाप्त कर मतलब जो गलत लोग हैं उनको सही रास्ता दिखाने के लिए काफी नहीं है। आपने ये भी कहा था अपने भाषण में कि लोगों के अंदर इतना खौफ हो जाएगा अगर किसी को सजाए मौत होती है कि वे दोबारा बलात्कार करने के बारे में सोचेंगे नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? पूरी दुनिया में इस पे डिबेट हो रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं और डेटा बताता है कि ऐसा नहीं है। सजाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट द आंसर टू रिड्यूस क्राइम। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई है तो ये आपकी मंशा दिखाती है। ये समझ लीजिए कि आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आप देश की सबसे ऊंची वाली कुर्सी पर बैठा तो दिए गए हैं, पर आपको ये नहीं पता कि जो सजा होती है उसमें उसका पर्पस क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है रिफॉर्म। सजा हमारे जो हमारे कानून में रेफर्मेटिव है, उसमें किसी को सजा इसलिए नहीं दी जानी चाहिए, तो बदले की भावना से या ऐसे मामलों में दिया जाता है जब ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है समाज के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है, ये यहाँ रहने के लायक ही नहीं है। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि उसको ठीक किया जा सकता है तो उसको चांस दिया जाता है। ये पर्पस होता है कानून में। हमारा जो कानून है उसका पर्पस तो कम से कम पता लगा लीजिए। ये तो पता लगा लीजिए कि दुनिया इस बारे में क्या सोच रही है आजकल। आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है प्रधान सेवक जी। आप तो देश के माहौल को नहीं समझ पाते हैं। आप खाली मासेस को कैसे बरगलाएं, मासेस को कैसे हल्ला करवाएं, कैसे उनको इमोशनल करें, इसमें आप एक्सपर्ट हैं। मगर मेरा देश जाग रहा है, लोगों की आंखें खुल रही हैं, वे आपके झूठ समझ रहे हैं। इतनी आसानी नहीं होगी कि आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहें। तो याद रखिएगा, अब आप जितने झूठ बोलेंगे हम उन सब झूठों को पकड़ेंगे और उनके बारे में बात करेंगे।